स्मार्ट मीटर तो भारत के कई शहरों में पहले ही लग चुका है, जो कि आपको बिजली की रीडिंग के अलावे आपकी बिजली की बिल की पेमेंट कितनी हुई है ये भी आपको दर्शाते रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम लागू होगा। आपको बता दें कि इसका लाभ बिहार के बिजली उपभोक्ता उठा पाएंगे। इसके तहत ऐसे उपभोक्ता जिन्हें लगता है कि उनका बिजली बिल अधिक आता है उन्हें संतुष्टि मिलेगी, वो अपना बिजली बिल का खपत हर वक्त चेक कर पाएंगे और मोबाइल के तरह बिजली मीटर को पहले से रिचार्ज कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन के तरह इसे ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से रिचार्ज किया जा सकता है। और इस बात का असमंजस हमेशा के लिए ख़त्म रहेगा कि बिजली बिल अगले महीने कितने का आएगा। उपभोक्ता अपने ज़रूरत के हिसाब से हर महीने से पहले रिचार्ज करा सकते हैं और चाहे तो बीच में अगर उनका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। अगर उनका बैलेंस बच जाता है तो वो अगले महीने में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार के बिजली विभाग इस पर चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है और राज्य के अलग अलग ज़िलों में इसे ट्रायल के तौर पर लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। शुरुआती तौर पर इसे पटना, लखीसराय, दलसिंहसराय जैसे कई शहरों में लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि साल के अगस्त महीने तक सारे पुराने मीटर बदल दिया जाए, यानी कि आपकी बारी बहुत जल्द आने वाली है और आप अपने बारी का निश्चिंत होकर इंतज़ार कीजिए। प्रीपेड मीटर लगाने में उपभोक्ताओं का कोई शुल्क नहीं देना होगा। बिजली कंपनी इंजीनियरों की निगरानी में EDF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कर्मी घर घर जाकर मीटर लगाएंगे। मीटर लगाते समय पूर्व वाले मीटर का बकाया राशि आपको 10 महीने में देनी होगी। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी जो कि हमने आपको देना उचित समझा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें।